पुष्पा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला, पुलिस टीम को बनाया निशाना, एक पुलिसकर्मी जख्मी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जाना राजू श्रीवास्तव का हालचाल, एम्स में पत्नी को किया था फोन। नितिन गडकरी के करीबी चंद्रशेखर बावनकुले बने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, आशीष सेलार को मुंबई की जिम्मेदारी। विपक्ष को एकजुट करेंगे सीएम नीतीश कुमार, बोले मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं। बांदनाव हादसे में मृतक के परिजनों को सीएम योगी ने मुआवजा देने का ऐलान किया, मौके पर भेजे सरकार के दो मंत्री। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। मुरादाबाद सपा सांसद एसटी हसन ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का बड़ा चेहरा अखिलेश यादव होंगे। साथ ही कहा कि अगर 70-80 समाजवादी पार्टी के सांसद जीते तो हम जरूर पीएम का चेहरा प्रेजेंट करेंगे। गलत तरीकों से डेमोक्रेसी को देखिए, जिस तरह से सियासत देश की हो रही है, जगह जगह सरकारें तोड़ी जा रही हैं और एक बेईमानी से दूसरी सरकारें बनाई जा रही हैं, वहाँ भी यही हशर होने वाला था जो खबरें हमें हम तक आई हैं। तो जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, उन लोगों को सबक सिखाने का काम हुआ जो लोग गलत तरीक़ों से डेमोक्रेसी को कुचलकर, प्रजातंत्र को कुचलकर, चुनी हुई सरकारों को तोड़कर अपने गठबंधन कर आके नई सरकार बना रहे हैं, वो चीज़ गलत थी। यहाँ पे पूरे देश में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन मूवी रिलीज हुई है, उसको लेकर प्राइम टीवी ने एक खास रिपोर्टिंग की और जाना कि लोगों ने किस मूवी को ज्यादा पसंद किया है, लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन। दरअसल लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी है जो कि खासा सुर्खियों में बनी हुई है। इसी क्रम में प्राइम टीवी ने गाजियाबाद के महानगर मॉल PVR पहुंचकर लोगों से बातचीत की, मूवी देखकर आ रहे लोगों से जाना कि आखिर कौन सी मूवी उन्होंने देखी, रक्षाबंधन या लाल सिंह चड्ढा। देखिए आप भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं आपके साथ प्रवीण मिश्रा। इस वक्त हम गाजियाबाद के महागुल मॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मूवी रिलीज हुई है दो, रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा। आखिर किस तरह से इस मूवी को पसंद किया जा रहा है, इन दोनों में से कितनी पसंद की जा रही है लोगों द्वारा, हम जान लेते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि अभी मूवी देख कर आए हैं। कौन सी मूवी देखी इन्होंने और कितनी इनको पसंद आई है मूवी? सर, कौन सी मूवी देख कर आए हैं? मैंने रक्षाबंधन देखा। रक्षाबंधन ही क्यों देखी आपने? रक्षाबंधन इसलिए देखा, सबसे पहले तो एक तो रक्षाबंधन में रिलीज हुई है, दूसरी बात इसमें क्या है कि आप हमारी जो बहनें हैं जिन्हें दहेज के पीछे इतना इंडिया में उत्पीड़न था तो उससे रिलेटेड बनाई गई है, ठीक है, दहेज प्रथा को मतलब ख़त्म करने के लिए। एंड अक्षय कुमार जी ने जो किरदार करा है, उन्होंने बहनों, चार चार बहनें हैं उनकी, किस तरह से उन्होंने अपनी बहनों को शादी किया और किस तरह से दहेज प्रथा को कम करने के लिए उन्होंने मतलब एक्टिंग करी है, वो बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ तो आमिर खान की जो मूवी आई है लाल सिंह चड्ढा, उससे कंपेरिजन में हमें रक्षाबंधन को ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऐसा क्यों आपको लगा कि रक्षाबंधन ही देखनी है, क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है और साथ में लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, और बढ़िया एक्टर हैं, हिंदुस्तान के अच्छे एक्टर हैं, सब में गिनतियां आती है बड़े एक्टरों में, तो उनकी मूवी क्यों नहीं देखी गई, और जबकि वो फॉरेस्ट से रिलेटेड मूवी बनाई गई है, उनकी मूवी आखिर क्यों नहीं पसंद की? ये नहीं कि आमिर खान लगा है तो हम नहीं देख रहे मूवी, ऐसा नहीं है। आमिर खान जी भी अच्छे एक्टर हैं और अभी स्टेटमेंट भी कुछ आ रहे थे कि कुछ आमिर खान के एटीट्यूड से कुछ बोला था उन्होंने कि जिसको देखना होगा या जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। अब हमारा मानना है कि हम जो फैंस हैं
हम जो भी एक्टर अगर बड़ा स्टार बनता है वो फैंस के बदौलत बनता है, ना कि अपने एटीट्यूड, ना कि अपने ही अंदर के जो किरदार होते हैं उनसे। अगर हम फैंस होंगे, हमें अच्छा लगेगा तो हम देखेंगे मूवी और वो उनकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोनों फिल्में आज यहाँ मॉल में सभी जगह रिलीज हो चुकी है, यहाँ से कुछ लोग मूवी देखकर आए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि कौन सी मूवी देखी है और क्या कुछ इनका उसमें रिव्यू है। सर, आज मूवी देखकर आए हैं, दो मूवियाँ रिलीज हुई हैं, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जी, कौन सी मूवी आपने टिकट ली है, कौन सी मूवी पसंद आई? देखिए, मैंने पर्सनली रक्षाबंधन देखी है। उसका रीज़न ये था कि अभी जो बाइकआउट का सीजन चल रहा है कि हाँ, लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट किया, जो भी रीज़न हो, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट मैंने पर्सनली रक्षाबंधन देखी है बिकॉज मुझे वो थोड़ी फैमिली वाली मूवी लगी और थोड़ा जो उनका सोशल मुद्दा है, जैसे कि बिना देखे आपको फैमिली वाली कैसे मूवी लगी ये बताइए। जी, मैंने देखी आई, अभी देखी आया मैं रक्षाबंधन, मैं देख के आ रहा हूँ। बाकी फैमिली मूवी जो ट्रेलर आप देखोगे उसमें किसी के धर्म को, भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई गई, जैसा कि लाल सिंह चड्ढा में सीधा दिखता है, या फिर लाल सिंह चड्ढा का जो मेन बाइकआउट करने का जो रीज़न है वो भी पीके को लेके, या फिर जो उनकी पुरानी फिल्म आमिर खान को उसके लेके है। बाकी लाल सिंह चड्ढा की मैं बात नहीं करूँगा, मैं रक्षाबंधन देख के आ रहा हूँ। रक्षाबंधन एक फैमिली मूवी है, जो दहेज होता है उसके अगेंस्ट में है, काफ़ी एक सोशल या इमोशनल मूवी है, देखनी चाहिए सबको, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। जैसे कि आज दो मूवियाँ रिलीज हुई हैं, एक रक्षाबंधन और एक लाल सिंह चड्ढा, कैसी मूवी है और कैसे आपने पसंद की है, कितने लोग इसमें देखने जा रहे हैं? हमने तो आज रक्षाबंधन देखी है, अक्षय कुमार की मूवी है, थीम बेस है, आजकल जो दहेज चल रहा है उसके ऊपर बनी है, हमें फिल्म बहुत अच्छी लगी। लाल चड्ढा हमने देखी ही नहीं अभी तक, अभी तो पता ही नहीं है, अभी तो फर्स्ट टाइम हम रक्षाबंधन ही देखना है, बाकी फिल्म वाइज बहुत अच्छी फिल्म है रक्षाबंधन। जैसा कि लोग लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट कर रहे हैं, लोग देखने के लिए मना कर रहे हैं, कुछ विवादित बयान उन्होंने दिए, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, जो बोला उन्होंने तो गलत ही बोला, पहली बात तो उन्होंने किसी की बोलना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो बुरा लगता ही है किसी के बारे में बोलोगे, आप वो जो बोल रहे हो, आप वो कर रहे हो, वो चीज़ गलत है ना। साफ तौर पे कि लाल सिंह चड्ढा क्यों बाइकआउट की जा रही है और इन्होंने रक्षाबंधन क्यों देखी है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है, हर इंसान का अपना देखने का, पिक्चर देखने का अपना मतलब होता है, तो कहीं ना कहीं एक जिस तरह से ये मूवी सुर्खियों में आई और जिस तरह से लगातार लोग इसे बाइकआउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज रक्षाबंधन के अवसर पर सभी लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ से निकले हैं, सभी ने रक्षाबंधन मूवी देखी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर इस मूवी पर कितने रिव्यू मिलते हैं और कितनी कमाई कर पाती है। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। फरीदाबाद के राजीव नगर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने नींद खराब होने से नाराज होकर अपने ही 1.5 महीने के बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये आरोप बच्चे के मामा ने लगाए हैं। मृतक बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। नवीस की जो माँ है उसके बयान पर आगे कार्रवाई की जाएगी और इसमें पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और पोस्टमार्टम और बयान के आधार पर जो भी लीगल एक्शन होगा वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश की जा रही है, जो उसका पता है उस पर भी और जो मोबाइल फ़ोन है उस पर भी। पुलिस आरोपी की तलाश में है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई और जो बयान आते हैं उसकी कार्रवाई में लगी हुई है। मैं सुबह अपने भाई को राखी बांधने गई थी, मैं अपने बेटे को, दोनों बेटों को, एक बेटे को अपनी बहन के यहाँ छुड़वा दिया, तो उसको लेके जा रही थी, उसने मेरे को लेके नहीं जाने दिया कि इसको मत लेके जा, और मैं राखी अपने भाई के बांध भी नहीं पाई, इतने तो उसने लड़का खत्म, खबर आ गई थी, वो बच्चा सीधे समय इतने आई तो मुझे बच्चा घर पर मिला, खत्म हुआ। मैं 9 बजे अपने घर पहुँची थी, 9:30 बजे मेरा बच्चा खत्म हो गया, मुझे 9:30 बजे पता लगा था, 9:10 बजे 9:30 बजे पता लगा था उससे पहले। खबर प्रयागराज से है, जहां पर गुजरात जेल में बंद माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद की लगभग 25 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। अतीक अहमद ने यह जमीन कौशाम्बी जिले के रसूलाबाद में प्रयागराज कानपुर हाईवे पर खरीद रखी थी। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन ने संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की है। ये कार्यवाही प्रयागराज के SPCT और SDM चायल के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में की जा रही है। मौके पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से संबंधित बोर्ड भी लगा दिया गया है। श्रावस्ती में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आजादी की गौरव यात्रा निकाली, साथ ही इकोना बाजार तक तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने भ्रमण किया। वहीं महंगाई, किसान, नौजवानों और कर्मचारियों के साथ तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। गौरव यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रही।
मैनपुरी में ऐतिहासिक हाफ मैराथन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने हाफ मैराथन दौड़ में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। दौड़ में 10,000 से ज्यादा राज्यों से आए लड़के लड़कियों ने हिस्सा लिया। पहला स्थान लड़कों में हरियाणा के प्रिंस मिश्रा को और लड़कियों में प्रियंका को मिला। मैनपुरी पुलिस प्रांगण में आज तिरंगा यात्रा और हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर का ये दौड़ रखा गया था। हमने सोचा था कि इसमें चंद प्रतिभागी ही भाग लेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से इसमें पूरा जनपद उबड़ पड़ा। दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से भी प्रतिभागी इसमें आ गए। बड़ी संख्या में लड़कों ने, लड़कियों ने, उनके परिजनों ने, शहर उमड़ पड़ा। विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न धर्मावलंबियों ने भी इसमें भाग लिया। विभिन्न संगठनों ने, स्कूल कॉलेजों ने, ये 10,000 से ऊपर की संख्या आज उमड़ पड़ा सड़कों पे। ये विहंगम दृश्य, न भूलने वाला दृश्य ये उत्पन्न हो गया। उन शहीदों की स्मृति में पूरा मैनपुरी उमड़ पड़ा और इस पे आज उसका भी एक पुरस्कार का भी इसमें घोषणा किया गया। प्रथम पुरस्कार मिला हरियाणा के प्रिंस राज मिश्रा को, मुरैना के विनोद कुशवाहा को द्वितीय और बुलंदशहर के विनीत राठी को तृतीय पुरस्कार मिला। इसी प्रकार प्रथम पुरस्कार लड़कियों में प्रियंका ने, द्वितीय पुरस्कार काजल मिश्रा ने और तृतीय पुरस्कार लता चौहान ने इसमें प्राप्त किया। लखीमपुर खीरी के परधान थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी और कार अनियंत्रित होकर रोड के किनारे भरे पानी में पलट गई। वहीं साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर वापस अपने घर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत खत्री सभा अध्यक्ष पूनम मेहरोत्रा के कोशिशों में कार्यक्रम को खत्री बंधुओं ने अपने समाज के वरिष्ठ बुजुर्गों के हाथों से धर्मशाला में तिरंगा लगाकर उत्साहपूर्वक मनाया और देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया। इस शुभ अवसर पर खत्री सभा के वरिष्ठ नागरिक खत्री केदारनाथ कपूर, अशोक टंडन, राजीव खन्ना ने नागरिकों को हर घर तिरंगा देकर लोगों को जागरूक किया। देखिए, यह वर्ष जो 2022 का है, ये 75वां वर्ष है हमारे स्वतंत्रता का। 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हमारे देश को आज़ादी मिले हुए। तो अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आह्वान है पूरे देशवासियों से कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, घर घर तिरंगा लगेगा, सभी प्रतिष्ठानों पर भी तिरंगा लहराया जाएगा, लगाया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हमारे खत्री सभा के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, सभी लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ अपने खत्री धर्मशाला शाहजहाँपुर में हम लोगों ने ये ध्वज लगाने का एक छोटा सा कार्यक्रम करा है। अब इसके बाद हम आसपास के जितने भी घर हैं, सभी घरों में जाके तिरंगा लगाएंगे और इस तरीके से हम लोग अपना आज़ादी का पर्व और ये आज़ादी का जो महोत्सव है 75वां वर्ष वो मना रहे। अलीगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े शराब की दुकान पर सेल्समैन से मारपीट करते हुए नजर भी आ रहे हैं। दरअसल उधार शराब लेने को लेकर युवक ने सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फरुखाबाद में कार सवारों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए लोहिया अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव अजमतपुर में मक्का के खेत से एक आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया, मामले के खुलासे के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। ये 2:30 से 3 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि बगाड़ नाला, जो कि थाना नौ दरवाजे के अंतर्गत आता है, उसके पास में ढाबे के पास में फायरिंग की सूचना, और जिसमें कि एक व्यक्ति गोली लगी।
तुरंत से मौके पर पहुँच, जो हमारी पुलिस है वो मौके पर पहुँची, हमारे CO SHO साथ ही साथ भी मौके पर आए। जो कौशल कटेरिया है जिसकी गोली लगी थी उसकी पहचान कौशल कटेरिया के रूप में हुई, उसको तुरंत से यहाँ से उपचार के लिए लोहिया अस्पताल में भेजा गया है जहाँ पर उसकी दौरान उपचार की हुई है। साथ ही साथ उनके घर वालों के द्वारा बताया गया है कि जब भी अपने फोटो स्टेट की दुकान से मोटरसाइकिलों पर अपने दोस्तों के साथ कभी इधर आ रहा था तो पीछे से कोई कार जिसके अंदर कुछ लोग थे जिनके द्वारा इसके अंदर इनके ऊपर इनकी कहा सुनी हुई, कहा सुनी के बाद उसमें फायरिंग की गई जिसमें इनके सर में गोली लगी जिससे इनकी मृत्यु हुई। इसके अंदर जो डेड बॉडी है उसको मोर्चरी पर रखकर उसका PM करवाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर CO ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को शांति का संदेश दिया। इस दौरान CO मितौली अभय मल ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप घर घर तिरंगा फहराएं। गोंडा में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने वाहन चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया और थाना अध्यक्ष को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अपराधियों के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर विधिक कार्रवाई की। पुलिस टीमों की ओर से गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद गोंडा में वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात और उनकी टीम के द्वारा दो अभियुक्त आजम जो खुरानसा का रहने वाला है और नन्हे प्रसाद जो जमदरा कोतवाली देहात का ही रहने वाला है उनको गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनमें 3 मोटरसाइकिलें लिंक हुई हैं। अभी एक इनके थाना क्षेत्र की चोरी की है, एक कोतवाली नगर की, एक तरफ बंद की। 3 अन्य मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा जुर्म इकबाल किया गया है और ये बताया गया कि जब ये चोरी की मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट बदल करके इनको कम दाम पर बेच करके ये आर्थिक लाभ कमा रहे थे। इनको दोनों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ में और कौन लोग थे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।